हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नए दिन की शुरुआत के साथ मैंने आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ मौसम की। मौसम तो यार कल से बारिश ही है लगातार कंटिन्यू। कल दिन भर भी बारिश थी, कल रात भर भी बारिश थी और अभी भी बारिश है। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का मौसम है। बारिश भी हो रही है और बादल भी देखो, ये कोहरा भी उठ रहा है। आसमान में तो बादल ही बादल हैं पूरे। ये देखो सामने सौकेड़ा दिखाई दे रहा है, उधर कोने में उधर बुढ़वाथल दिखाई दे रहा है, और देखो नीचे दिखाई दे रहा है तिल्लागढ़, सामने हरजू मंदिर, और देखो पूरा मौसम देखो पूरा बंद है। ये और खेत भी देखो पूरे खाली हो चुके हैं। बस अब क्या था, 10-15 दिन थोड़ा धूप आती, घास वास काटने का भी फिनिश हो जाता, गाजू वाजू भी काटने का काम फिनिश हो जाता, उसके बाद रहते थोड़ा भट और तिल और मांस, यही चीज़ रहता। फिर बोने बाने का तो चलो 1 महीने लेट भी होगा तो चलेगा। ये देखो ये तिल भी पूरे भीग रखे हैं, और ये भट यहाँ, ये हमारे ये भट हैं, ये भट यहाँ ढके हैं, और उधर भी हैं वो, वहाँ भी, और हल्का सा यहाँ पर भी है, और थोड़ा नीचे भी हैं वो। देखो कपड़े तो ये 2 दिन से ये सूखे ही नहीं है, कल धोए थे परसों। ये देखो ये ऐसे हैं कपड़े। तो यार दोस्तों, मौसम तो ऐसा हो रहा है बिल्कुल रजाई के अंदर सो जाने वाला, बिल्कुल क्या तो रजाई के अंदर सोने वाला। अब वैसे भी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, अब तो आग सेकने का मौसम आ गया है। अगेठी में आग जला के आग सेको, भट बूटो, भट खाओ, मज़ा आ जाता है बिल्कुल। वैसे तो आजकल कौन भूटता है भट, लेकिन पहले जब जाड़ों के दिन आते थे, सर्दियों के दिन, तो आग भी सेकते थे अगेठी में, और 4-5 लोग अड़ोस पड़ोस के भी आते थे बैठने के लिए, तो बैठते थे सभी लोग और तवे में भट भूटते थे, भट भी खाते थे टाइम पास के लिए, और गप्पे भी मारते थे, आग भी सेकते थे, टाइम भी कट जाता था। क्योंकि आप सर्दियों में काम वाम तो रहता है नहीं, खेतों का सब काम ख़त्म हो जाता है सर्दियों। अभी 1-1.5 महीने में सारा काम निपट जाएगा, अगर मौसम साथ देगा तो पूरा बोने बाने से लेके सभी काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर वही सुबह 1 टाइम घास काटने जाएंगे, उसके बाद दिन भर आराम रहेगा। तो ये है सर्दियों की दिनचर्या। आजकल तो थोड़ी कल से थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा आराम मिल रहा है, नहीं तो खाना भी कभी 3 बजे खा रहे थे, कभी 4 बजे खा रहे थे, खाना खाने का टाइम भी नहीं मिल रहा था। अभी ठीक हो रहा है, 2-4 दिन आराम भी चाहिए। ऊपर वाले को भी पता है कि यार सभी लोगों को थकान हो रखी है, काम ज़्यादा हो रहा है, तो 2-4 दिन मैं ही ऊपर से बरस जाता हूँ बारिश बन के। तो बारिश की वजह से 2-3 दिन थोड़ा आराम हो रहा है, सुबह घास काटो या शाम को काटो, 1 टाइम घास काटो, फिर उसके बाद आराम हो रहा है। चलो 2-4 दिन आराम सही, उसके बाद फिर काम काम ही है, फिर वही काम, घास काटना, खेत का काम स्टार्ट हो जाएगा। मौसम ठीक होता है तब तक आराम कर लेते हैं। और दोस्तों, काफ़ी लोगों की आज भैंस भी आई है, आज भैंस का थोरो रखा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है भैंस, कलर भी देखो इसका, ये मारने के लिए आता है, बहुत मारता है। और ये देखो ये रखा छोटा सा बेबी, ये कितना प्यारा हो रहा ना, वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का। अभी कब ब्याह का की हो? अभी सुबह सुबह ब्याही है भैंस, 6 बजे समथिंग ब्याही भैंस। और ये भैंस हमें तो मारने के लिए आता है ये। और वो रही सामने मम्मी, मम्मी मम्मी का बुखार उखार अब ठीक है, 2-4 दिन अब आराम भी मिल रहा है मम्मी को, क्योंकि मौसम भी ख़राब है, थोड़ा रेस्ट भी मिल जा रहा है। और साक्षी अंदर है, पढ़ाई कर रही है साक्षी। कबूतर, हम,
गुड, क्या बोल रही साक्षु? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाल। लिखो फिर लिखो। दोस्तों साक्षी सुबह सुबह पढ़ाई कर रही है, मोबाइल पे भी लगी है और पढ़ाई भी कर रही है ना। हाँ गुड। अभी पढ़ाई कर रही थी साक्षी, मोबाइल पे भी लगी थी। अब ये देखो मोबाइल पर आप सो गई है। गंदी है साक्षी, गंदी है साक्षी। रोटी खाएगी? आजा आजा, चल आजा। मैं तो जा रहा हूँ, टिटीट भी जा रहा हूँ। देख मैंने देख कपड़े पहने हैं, देख फुल बाजू स्वेटर पहना है, ये देख पैंट भी पहना है। ये आ रही है टिटीट आ रही। आजा फिर, उठ जल्दी उठ, जल्दी उठ। है उठ भी उठ, मैं तो जा रहा हूँ सीधे, ये सीधे जा रहा हूँ मैं। बाय 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 बाय। और ये है रेखा, नाश्ता करने के लिए जा रही है। इधर बम्बई बूबू है ये। कल बम्बई बूबू का बर्थडे था, हम बर्थडे विश भी नहीं कर पाए, तो मैंने सुबह सुबह विश किया बूबू को। जलेबी लेके आए थे बूबू हमारे लिए। और बगल में चाचा हैं और पवन के पापा गए हैं उधर पब्लिक स्कूल। आज छुट्टी है, वैसे मौसम ख़राब है, लेकिन वो मनोज और पवन के पापा गए हैं स्कूल, पब्लिक स्कूल। वहाँ दीयू का नाम लिखाना है आज। फिर शायद सोमवार से स्कूल चालू होगा, तो उसके बाद फिर दीयू कंटिन्यू स्कूल वहीं जाएगी, पब्लिक स्कूल। आज घूमने नहीं गए बबू? हाँ मौसम भी ख़राब है, हाँ ठंड भी हो रही है। हाँ अब तो आग जलानी पड़ेगी सेकने के लिए, आग अगेठी। तो मम्मी लोग कर रहे हैं नाश्ता, मैं भी करता हूँ नाश्ता, तो उसके बाद फिर नाश्ते के बाद फिर मिलता हूँ। अभी मनोज लोग तो आए नहीं हैं, तब तक कर लेते हैं नाश्ता। मम्मी रेखा मैं और ताऊजी कर रहे हैं, साक्षी भी आएगी, अभी अंदर है फिलहाल, तो अभी आएगी थोड़ी देर में। तो नाश्ता करता हूँ फिर मिलता हूँ। तो यार दोस्तों नाश्ता वास्ता हो गया है सभी लोगों का, सिर्फ मनोज रह गया है। और अभी जाना है हमें थोड़ी देर में, उधर जाना है, वो बिनुदार जाना है। तो उधर आज 15 दिन का श्राद्ध है, तो उधर जाना है। फिर अभी तो मौसम ख़राब रखा है, अभी चलते हैं थोड़ी देर में। अभी भुस दादी भी आता है, पवन के पापा, तो मनोज भी आएगा, तो हम तीनों जाएंगे, भुस दादी मैं और मनोज। तो तब तक कमरे में जाते हैं, बिस्तर के अंदर घुस जाते हैं। अरे देखो साक्षी भी खाने लगी रोटी ना। ये रेखा खिला रही है रोटी, दाना है ना। खाओ खाओ खाओ, जल्दी खाओ, फिर टिटीट नहीं आएगी गाड़ी में। हाँ चलो आकर बड़ा बड़ा मुंह खोल, शाबाश गुड। ये दाल बनाई थी और थोड़ी घी। अरे देखो साक्षी ने दाल गिरा दी। और रख, उतने दिन बोलता हूँ मैं तेरे को भाई, खाना उसके नजदीक मत रखा कर। ये किस, क्यों मारी उसको, क्यों मारी उसको, कहाँ पे गिरा? अरे यहाँ पे गिरा है, कोई ना बाबू कोई ना, सब मम्मा दो दीगी। हाँ सारा दाल गिरा दिया साक्षी ने। और रखी उसके पाँव के यहाँ पर, तेरे को मैं उतने दिन बोलता हूँ भाई थोड़ा खाना ये चीज थोड़ा उससे साइड रखा करके। हाथ भी। तो यार दोस्तों हम जाने लग गए हैं बिनवाधार, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बगल में बैठे हैं दादा और हाय कोई, और पीछे है मनोज, हेलो। और मैं चला रहा हूँ गाड़ी, फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों को बिनवाधार से। श्राद्ध का भात खा के आते हैं, उसके बाद मिलता हूँ मैं आप लोगों को घर पे। और बारिश भी हो रही है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो बारिश ही बारिश। और दो तीन दिन से तो हमने वॉलीबॉल भी नहीं खेला है, देखो वॉलीबॉल ग्राउंड हमारा, ये वॉलीबॉल भी नहीं खेला है हमने। अभी मैं पहुंच गया हूँ ये डेंजर जोन में, यहाँ से संभल के जाना पड़ेगा, पूरा फिसलन रखा है ये। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ घर, खाना वाना खा के, और घर वाले भी अब भी खा रहे हैं खाना। और मौसम देखो बारिश हो गई है, अभी तेज़ तेज़ बारिश लगने लग गई है, ये देखो इतनी तेज़ बारिश हो रही है अभी। और मम्मी लोग अभी खा रहे हैं खाना, ये साक्षी भी खा रही है, और ये रेखा भी बैठी है, ताऊ जी भी खा रहे हैं रोटी।
मम्मी भी रोटी खा रही है। तो दोस्तों अभी शाम के बज गए हैं 4 और देखो मौसम, देखो अभी लगातार कंटिन्यू बारिश ही हो रही है। मम्मी लोग अभी, मम्मी रेखा लोग जा रहे हैं घास काटने, मम्मी और रेखा गए घास काटने, मनोज गया है भराड़ी, और ताऊ जी और साक्षी और मैं भी जा रहा हूँ घास काटने। घास काटने जा रहे हैं? हाँ ठीक है, दुकान नहीं जा रहे, घास काटने जा रहे हैं। और देखो कंटिन्यू बारिश हो रही है आज तो, मतलब बारिश बिल्कुल भी रुकी नहीं, पूरी कंटिन्यू बारिश हो रही है। अभी मैंने जैकेट भी बड़ा वाला निकाल दिया, अंदर से स्वेटर भी डाला है, ठंड हो रही है काफ़ी, ऐसा लग रहा है कि सर्दी आ ही गई है। लेकिन अभी 2-4 दिन में जब मौसम साफ हो जाएगा, खुल जाएगा, फिर धूप लगेगी, तो धूप भी तेज़ धूप लगेगी। अभी ऐसी बारिश में ही जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं उधर घास काटने, घास काटेंगे गाड़ी में रखेंगे, क्योंकि हमारा जहाँ घास काटने जाते हैं चौधार, उधर रोड के किनारे है, तो काट के गाड़ी में रखेंगे, फिर गाड़ी में ही आएंगे, फिर यहाँ से उठा के सीधे घर पे। तो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मौसम, देखो अभी 4 बज गए हैं शाम के, अभी 4:30 टाइम हो गया है ये, और मौसम देखो शायद रात भर भी बारिश ही होगी, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को मौसम। और ये देखो मौसम पूरा बंद हो रखा है, ये चारों ओर देखो, ये जहाँ देखो बादल ही बादल हैं और बारिश ही बारिश है, देखो खेतों के हाल भी देखो। दोस्तों हम पहुंच गए हैं चौधार से घर, घास वास लेके आ गए हैं, मम्मी भी आ गई है, रेखा भी और मैं भी। तो देखो मम्मी भी ला गई है घास और रेखा भी, हम लोग पहुंच गए हैं घर पे। ये देखो मोड़ ओड़ डाल के आ गई मम्मी, ये क्या है डॉगी? हाँ उधर है वो डॉगी, वो क्यों छुप रही है, क्यों छुप रही है साक्षी? साक्षी क्यों छुप रही है? लुक्की लुक्की खेल ली पापा के साथ। और रे और ये देखो ताऊ जी सब्जी बना रहे हैं अंदर, और मौसम देखो पूरी, अभी भी बारिश बंद नहीं हुई है, अभी तो पूरा बंद हो गया है, चारों ओर देखो कोहरा लग गया है, ये कोहरा ही कोहरा, कल भी बारिश होगी शायद, ऐसा लग रहा है, लग क्या रहा है, होगी बारिश तो, क्योंकि पूरा बंद हो रखा है। तो यार दोस्तों घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया है, अब मनोज और मैं बनाते हैं रोटी, ताऊ जी ने बना दी है सब्जी, और आज के वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मज़े करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ओके बाय बाय, गुड नाइट।